नकली पासपोर्ट और नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजने का राज्यव्यापी घोटाला लगातार सामने आ रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि नकली पासपोर्ट बनाकर नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजा जा रहा है, जिस पर पुलिस और पुलिस की अन्य टीमों ने शिकंजा कसा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी ऐसी ही एक कार्यवाही हुई है, साराभाई कैंपस में स्थित माइग्रेशन ओवरसियर्स पर। ना सिर्फ वडोदरा में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, जहां जहां इस संस्था की ब्रांचेस है वहां वहां छापेमारी की गई है। और वडोदरा के साराभाई कैंपस में माइग्रेशन ओवरसियर्स की ये कंपनी है जहाँ लोगों को विदेश भेजा जाता है, वर्क परमिट से लेकर वीज़ा देने तक, और आइल्स और टॉफल जैसी एग्ज़ाम्स भी यहाँ ली जाती है। इमिग्रेशन, वर्क वीज़ा, स्टडी अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट, आइल्स, पीटी, सभी तरह की परीक्षाएं यहाँ ली जाती है। और छात्रों और वहाँ काम करने वाले लोगों को विदेश भेजा जाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी सामने आने पर वडोदरा CID क्राइम की टीम ने यहाँ कल दिन भर जांच करते हुए कई दस्तावेजों को जब्त किया है। और उसमें क्या निकल कर आया है ये तो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन माइग्रेशन ओवरसियर्स CID के शिकंजे में है। दोपहर के बाद से DYSP समेत का CID क्राइम का काफिला यहां मौजूद था। 4 गाड़ी यहां आई थी और लगातार जांच चलती रही, जिसके चलते इस पूरे साराभाई कैंपस में भी सनसनी मच गई थी। आज इस ऑफिस पर ताला लगा हुआ है, ये कंपनी वालों ने लगाया है या CID वालों ने, ये तो जांच का विषय है। ये पीढ़ी जो है प्रवीण शाह ने 25 साल पहले शुरू की थी, जो अब उनका बेटा स्मित शाह संभालता है, लेकिन यहां से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें कितनी गड़बड़ियां हैं उसकी जांच वडोदरा CID क्राइम की टीम कर रही है। और आने वाले दिनों में इसकी आधिकारिक जानकारी हो सकता है वडोदरा शहर तक पहुंचे, या हो सकता है कि ना भी पहुंचे और मिलीभगत के साथ इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।